Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all on today's lecture. This is the class number 3 of types of sentence. Types of sentence की इससे पहले हम दो क्लासें कर चुके हैं जहाँ पर हमने सीखा था सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में. आज की क्लास के अंदर हम आगे के अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे. शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को. देखो यार, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक जो पहचान है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, ठीक है. इसके अंदर आपको ऑर्डर या कमांड, मतलब ऑर्डर या कमांड दी जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर. सजेशन या एडवाइस दी जाएगी. इसी तरीके से हम कह सकते हैं प्रपोजल या रिक्वेस्ट भी जो होती है वो किसके अंदर होती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हुआ हमारा, कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई देगी स्टार्टिंग में. ये ऑर्डर और कमांड जहाँ पे देंगे वहाँ का स्ट्रक्चर क्या होगा उस सेंटेंस का? V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सजेशन या एडवाइस जब दी जाएगी तो ऑलवेज आपको स्टार्टिंग में नज़र आएगा ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. बात करूँ प्रपोजल या रिक्वेस्ट की तो प्लीज़ या काइंडली जैसे वर्ड आपको स्टार्टिंग में नज़र आएंगे, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अगर नेगेटिव बनाना चाहें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर तो कैसे बनेगा? डोंट या नेवर लगा के V1 प्लस ऑब्जेक्ट. लेट से भी जो सेंटेंस शुरू होंगे वो भी हमारे इम्पेरेटिव की कैटेगरी में आएंगे. लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. देखो ये जो लेट वाले सेंटेंस है ना, इसे हम दो तरीके से नेगेटिव बना सकते हैं. एक तरीका हमारा हुआ ये, एक तरीका हुआ हमारा ये. तो पहला तरीका क्या है? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दो. और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है शुरुआत में आप डोंट लगा दो. आप समझ रहे हो मेरी बात को? दो तरीके से हम नेगेटिव बना सकते हैं लेट वाले सेंटेंस का, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के या फिर शुरुआत में डोंट लगाकर. सेंटेंसेस के थ्रू इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले देखो हिडन सब्जेक्ट यू, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू सेकंड पर्सन, वो हिडन होता है. देखो कैसे, जैसे पहला सेंटेंस है ओपन द डोर, तो ओपन द डोर में आप किसी को कह रहे हो कि ओपन द डोर, कि जो आपका दरवाज़ा है उसे खोल दो. तो ये आप किसी सेकंड पर्सन को बोल रहे हो लेकिन वो यहाँ पे हिडन है, ठीक है. तो यू जो है सेकंड पर्सन, वो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हिडन रहता है. जैसे रीड इट लाउडली, अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हो तो आप किसी ना किसी से बोल रहे हो कि रीड इट लाउडली, रीड इट लाउडली. तो यहाँ पे ओपन आप देख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हिडन सब्जेक्ट क्या है? यू. इस तरीके से ये सेंटेंसेस भी आप देख सकते हो. गो विद राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई गो. ये ऑर्डर या कमांड कह सकते हो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या कमांड दे रहे हो. ऑर्डर और कमांड में बेसिकली फ़र्क थोड़ा सा होता है. हम कह सकते हैं कि कमांड थोड़ी सी फॉर्मल होती है जबकि ऑर्डर इनफॉर्मल होता है. ऑर्डर आपके घर में आपकी मम्मी आपके पापा को दे सकती है, आपका बड़ा भाई आपको दे सकता है, आप अपने छोटे भाई को दे सकते हो. और कमांड की अगर बात करें तो ये स्पेशली हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, BSF, CISF, CRPF इनके अंदर कमांड दी जाती है. तो ये थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से होता है. अगर बात करूँ पांचवे सेंटेंस की, कम एट पार्क, तो यहाँ पे कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा. ये भी आप ऑर्डर या कमांड कह सकते हो, डिपेंड करता है फॉर्मली बोली जा रही है इनफॉर्मल तरीके से. प्लीज़ मीट द चिल्ड्रन, ये एक तरह की रिक्वेस्ट हो गई प्लीज़ से स्टार्ट हुआ जो सेंटेंस. काइंडली से भी अगर स्टार्ट हो वो भी रिक्वेस्ट की कैटेगरी में आएगा. कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज से जब स्टार्ट हो सेंटेंस तो वो एडवाइस या सजेशन की कैटेगरी में आएगा. ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स, ये भी एक तरह की एडवाइस या सजेशन हो गया कि हमेशा अपने से बड़ों का आदर करो, सम्मान करो. दसवां सेंटेंस डोंट टेल अ लाई, देखो ये नेगेटिव वाला हो गया, डोंट से शुरू, डोंट टेल अ लाई. डोंट इज कॉल्ड अतुल, अतुल को मत डांटो. दसवां था डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो. नेवर बोदर द पुअर,
यानी गरीबों को मत सताओ या परेशान मत करो। दा पुअर, दा पुअर के आगे दा इसलिए लगा हुआ क्योंकि पूरी की पूरी गरीब की जो कम्युनिटी है, गरीबों को, सारे गरीबों को दर्शा रहा, किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही। तो पुअर में एस ना लगा के किस तरीके से बताया जाएगा, दा पुअर। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे डिटरमिनर के टॉपिक के अंदर। ए एन दा आप जानते हो डिटरमिनर होता है। फिलहाल के लिए आप समझो दा पुअर का मतलब है यहाँ पूरी की पूरी जो गरीबों की कम्युनिटी है उसको दर्शाया जा रहा है, किसी एक गरीब के लिए ये बात नहीं हो रही है, इसलिए दा पुअर यूज़ हुआ है। ये कुछ सेंटेंसेज हैं, देखो लेट से शुरू हुए, लेट मी प्ले, ये भी सारे के सारे इंपेरेटिव हो जाएंगे। लेट आशीष स्टडी, लेट हर स्टडी, लेट राम डांस विद मी, लेट पंकज वर्क, सारे के सारे एग्जांपल हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। 18वां, 19वां, 20वां सेंटेंस एक साथ देखोगे आप, लेट मी प्ले। अगर इस सेंटेंस का जो 18वां लिखा हुआ है इसका नेगेटिव बनाने की हम कोशिश करें तो लेट मी नोट प्ले हो जाएगा या फिर डोंट लेट मी प्ले हो जाएगा। या तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो या शुरुआत में डोंट लगा दो। आप समझ रहे हैं इस बात को, या तो यहाँ पे नोट लगा दो सब्जेक्ट के बाद या शुरुआत में डोंट लगा दो। अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हम या तो विश कर रहे होंगे या प्रे, किसी को ब्लेसिंग दे रहे होंगे, या फिर कर्स की बात हो रही होगी यानी बद्दुआ की बात हो रही होगी। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं ऑप्टेटिव सेंटेंस के, तो गुड मॉर्निंग सर, ये एक तरह की विश कर रहे हो आप स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेजेस के अंदर आप गुड मॉर्निंग सर बोल के जो भी आपके टीचर्स गुरु होते हैं उन्हें आप विश करते हो। जिस तरह मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये एक तरह की विश हो गई, किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, जो दिन बार बार आने की आप एक तरह की विश दे रहे हो उसे कि ये दिन आपकी लाइफ में बार बार आए, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बाकी सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूँ आपसे तो लिखा हुआ बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ये भी एक तरह की ब्लेसिंग हो गई। मे यू लिव लॉन्ग, तो ये भी ब्लेसिंग हो गई या प्रे हो गई किसी के लिए। देखो यार, आप किसी को कह रहे हो मे यू लिव लॉन्ग, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, और ये उसके लिए क्या हो गई, ब्लेसिंग हो गई। तो किसी भी इनमें से प्रे, ब्लेसिंग, कर्स, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ जाए तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी एक तरह की क्या हो गई, ब्लेसिंग हो गई, प्रे हो गई किसी के लिए। मे यू नॉट गेट ए गुड जॉब, ये एक तरह की बद्दुआ हो गई, कर्स हो गई कि तुम्हें अच्छी नौकरी ना मिले। तो आप समझ सकते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव चाहे विश हो, प्रे हो, ब्लेसिंग हो, कर्स, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे अगर मैं बात करूं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर एक तो एक्सक्लामेशन साइन आएगा। अगर इस एक्सक्लामेशन साइन की मैं बात करूं तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर तो आता ही है, लेकिन ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी दिखाई देगा। देखो जितने भी थे ऑप्टेटिव सेंटेंस, गुड मॉर्निंग सर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू नॉट गेट ए गुड जॉब, सब के अंदर एक्सक्लामेटरी साइन आया है। तो ये जो एक्सक्लामेटरी साइन होता है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर तो देखने को मिलेगा ही, वो तो नाम से पता चल रहा है आपको। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर हम बात करते हैं सरप्राइज, शोक, वंडर, जॉय, हैप्पीनेस, सोरो, सैडनेस, ग्रीफ, डिसगस्ट या एप्लोज की। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर सरप्राइज, शोक या वंडर को दर्शाने के लिए कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे वाव, ओ माय गॉड, ओ। जॉय, हैप्पीनेस को दर्शाने के लिए वाव, ओ माय गॉड, हुर्रे, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपनी हैप्पीनेस को दर्शाने के लिए या अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सरप्राइज़ के लिए मैंने बताया वाव, ओ माय गॉड, इस तरह के कुछ वर्ड। सोरो या सैडनेस या ग्रीफ, एक तरह के दुख को हम कह सकते हैं, दर्शा सकते हैं हम, ओ माई गॉड, अलास, ओ, इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। डिसगस्ट के अंदर सिट, फी, फू, गी, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिससे आप अपने डिसगस्ट को शो कर सकते हो, जब आपको कोई चीज़ ना पसंद हो तो इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एप्लोज के अंदर आप ब्रावो बोल के आप दर्शा सकते हो, एप्लोज का मतलब होता है शाबाशी देना।
तो आप समझ रहे होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है सरप्राइज, शोक, वंडर की बात हो अगर, या जॉय या हैप्पीनेस की बात हो, सोरो, सैडनेस, डिसगस्ट या एप्लोज, इस तरह की सेंटेंस अगर इस तरह की बातें हो सेंटेंस के अंदर तो वो आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। अगर एग्जांपल्स की बात करूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तो कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे ओ माय गॉड आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये एक तरह की आप खुशी जाहिर कर रहे हो। ओ माय गॉड आई लॉस्ट माय पर्स, ये एक तरह का दुख आप दर्शा रहे हो। ओ माय गॉड व्हाट अ टॉल मैन ही इज़, ये एक तरह का सरप्राइज हो गया। अलास ही इज़ ओनली सन डेड, उसका इकलौता बच्चा था वो भी डेड हो गया, तो मर गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का सोरो है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी चाहे वो सुख हो, दुख हो, डिसगस्ट हो या फिर सरप्राइज हो, ये सारे के सारे आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर। आई होप आज की क्लास को आप समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अब जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।